بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على حبيبي محمد وآله وسلم <applause> بسم الله الرحمن الرحيم صلى <applause> الله على حبيبي محمد وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على حبيبي محمد وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم वर वालमीन अल्लाम बेहद फजल बेहद शुक्र जिन ने मौका और तोहफी ता फरमाई जिंदगी की बेशुमार ना फरमाई अल्लाह सुबहन व फजल करम से बात बनी हुई है मालिक सब की बात हमेशा बनाए रखे बसमानबीबी मुहमद वमज़ान मुबारक बाबरकत महीना अपनी रहमतों बरकतों अजमतों के साथ जारी वी है इस माह मुबारक में खूब अपने रब को राजी करने की कोशिश कीजिए याद रखिए जिस तरह एक नेकी का स्वाब सात सौ गुना तक बढ़ा कर दिया जाता है नफल पढ़ेंगे तो फर्ज के बराबर फर्ज पढ़ेंगे तो सत्तर गुण फर्ज के बराबर स्वाब दिया जाएगा इसी तरह हर चीज के दो पहलू होते हैं। जिस तरह नेकियों का अंबार है बेशुमार मिलती हैं, उसी तरह रमजान में अगर कोई बंदा गुनाह करता है फिर उसका अजाब भी उसी तरह डबल ही मिलता है अगर सैदनाउमानी रदी अल्लाह रवायत करती हैं कि अल्लाह के, के महबूब सल्लाम ने इर्शाद फरमाया मेरी उम्म जलीलो रसवा न होगी जब तक के माह रमजान का हक अदा करती रहेगी की, यार तो वाले के हक को जया फरमाया इस माह में इस बाबरकत महीने में भी उनका हराम कामों का करना फिर फरमाया जिसने इस माह में जनाह किया शराब पी बदकारी के काम किए कोई भी बुरा फेल किया तो अगले रमज़ान तक अल्लाह सुबहानवताला और जितने आसमानी फरिश्ते हैं सब उस पर लानत करते हैं बस अगर ये शख्स अगले माह रमज़ान को पाने से पहले ही मर गया तो इसके पास कोई ऐसी नेकी न होगी जो उसे जहन्नम की आग से बचा सके तुम माह रमजान के मामले में अल्लाह से डरो क्योंकि जिस तरह इस माह में और महीनों के मुकाबले में नेकियां बढ़ा दी जाती हैं, इसी तरह गुनाहों का मामला भी है हदीसी मुबारका में आता है जब कोई इंसान गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक सया नुकता बन जाता है जब दूसरी बार गुनाह करता है तो दूसरा स्या नुकता बनता है यहाँ तक कि उसका दिल स्या हो जाता है और भलाई के बाद उसके दिल पर असरअंदाज नहीं होती रमजान मुबारक के बबरकत महीने को अल्लाह सुबहान वाल की याद में गुजारना चाहिए और इस माह मुबारक का अदबोतराम करना चाहिए एक बार अमीर हजरत अलीजा शेर खुदा रदी अल्लाह त्यारत कबूर के लिए कोफा के कब्रस्तान तशरीफ ले गए वहा एक ताज़ा कबर पर नजर पड़ी आप रदी अल्लाह त मालूम करने की ख्वाहिश चुनाचे बरगा खुदाबंदी में अर्ज गुजार हुए या मैयत के हालात मुझ पर मुनकशिप फरमा यानी जैर फरमा अल्लाह सुबहान वाल की बरगाह में आपकी अल्तजा फ़ौरन कबूल हुई और देखते ही देखते आपके और उस मुर्दे के दरमियान जितने पर्दे हाइल थे तमाम उठा दिए गए अब एक कबर का भयानक मंजर आपके सामने था क्या देखते हैं कि मुर्दा आग के लपेट में है और रो रो कर आप रबी अल्लाह फरियाद कर रहा है वाजुल करीम में आग में डूबा हुआ हूँ और आग में जल रहा हूँ कबर के दस्तनाक मंजर और मुर्दे की दर्दनाक पुकार ने हैदर करार को बेकरार कर दिया आप कराम वाजुल करीम ने अपने रहमत वाले ज़वजल के दरबार में हाथ उठा दिए और नहायती आर्जी के साथ उस मैयत की बख्शिश के लिए दरखास्त पेश की गैब से अली, वाजुल करीम। आप रदी अल्लाह त इसकी सिफारिश ना फरमाए क्योंकि रोजा रखने के बावजूद ये शख्स रमजान मुबारक की बेहरमती करता रमजान मुबारक में भी गुनाहों से बाज न आता था दिन को रोजे तो रख लेता मगर रातों को गुनाहों में मुबतला रहता मौलाए कैनात ने यह सुनकर और भी रंजीदा हो गए और सजदे में गिर कर रो कर अर्ज करने लगे या अल्लाह मेरी लाज तेरे हाथ में है इस बंदे ने बड़ी उम्मीद के साथ मुझे पुकारा है मेरे मालिक मुझे इसके आगे ना फरमा इस की बेबसी पर रेम फरमा दे इस बेचारे को बख्श दे हजरत अली करम उल्ला वाजुल करीम रो रो कर मुनाजात कर रहे थे अल्लाह जवजल की रहमत का दरिया जोश में आ गया और निदा आईये अली हमने तुम्हारी शिकस्ता दिली के सबब उसे बख्श दिया है अल्लाह सुबहान वाल सैद नालीर मुर्तजा शेर खुदा के सद के हम सब पर भी करम फजल फरमाए बसमिल्लातना इमाम गजाली रही फरमाते कि रोजादार के लिए सुन्नत यह है कि दिन के वक्त ज्यादा देर ना सोए बल्कि जागता रहे ताकि भूख और जोफ यानी कमजोरी का असर महसूस हो अगरचे अफजल कम सोना ही है फिर भी अगर जरूरी इबादात के अलावा कोई शख्स सोया रहे तो गुनाहगार न होगा अल्लाह सुब्रन वाल अपने बंदों पर आसानी के लिए कोई न कोई सबब पैदा फरमा देते हैं सैरी करना अल्लाह के महबूब वाले सल्लम की सुन्नत मुबारक है और जो सैरी को सुन्नत समझ के करते हैं तो अल्लाह सुबह उन्हें भी भी अता फरमाता है रोजा रखना अम्बियाई कराम वसलाम की सुन्नत मुबारक सैदना आदम वसलाम चांद की तेरह चौदह पंद्रह तारीख को हर महीने रोजा रखते हैं। सैद नूह अलह सलात वसलाम हमेशा रोजादार रहते अदर सैद न ईसा रू सलाम हमेशा रोज़े रखते कभी न छोड़ते अदर सैद न दहूद सलातलाम एक दिन छोड़कर एक दिन रोज़ा रखते अदर सैद न सलमान अलातम तीन दिन महीने के शुरू में तीन दिन दरमियान में तीन दिन आखिर में यानी महीने में नौ रोजे रखा करते थे तो ये अम्बिया कराम तो की सुन्नत मुबारक है रोजा रखना और सहरी करना अल्लाह के महबूब सलम की सुन्नत मुबारक है और याद रखिये रोजा रखने से इंसान कभी बीमार नहीं होता बल्कि रोजा रखने से सेहत मिलती है रोजा रखने से इंसान कमजोर नहीं होता यह नफ्स की चाल है अला हजरत रहमत इरशाद फरमाते कि एक साल रमजान मुबारक से थोड़ा अरसा कबल मेरे वालद मरहूम अजरत मौलाना नकी अली खान रहमतुल्ल खाम तशरीफ लाये फरमाया बेटा इंदा रमज़ान शरीफ में तुम सख्त बीमार हो जाओगे मगर ख्याल रखना के कोई रोज़ा गजा ना होने पाए चुनाचे वालद साहब रहमतुल्ल के हसबल वाक़ ही रमजान मुबारक में मैं सख्त बीमार हो गया जो ही रमजान शुरू हुआ उधर सख्त बीमारी ने अपना हमला कर दिया लेकिन कोई रोजा न छूटा अल्हम्दुलिल्लाह जवजल रोज़ों ही की बरकत से अल्लाह सुबहान वाला ने मुझे से दता फरमाई अदर सैयद नायर मुर्तजा शेर खुदा रदी अल्लाह तला से मरवी है कि अल्लाह के महबूब सल्लाम ने इशाद फरमाया बेशक अल्लाह अल्लाहल ने बनी इसराइल के एक नबी सलासल्लाम की तरफ वही फरमाई कि आप अपनी कौम को खबर दीजिए कि जो भी बंदा मेरी रजा के लिए एक दिन का रोज़ा रखता है तो मैं उसके जिसम को सेध भी अता फरमाता हूँ और उसको अजीम अजर भी दूंगा सेहत भी दूंगा और अजर भी अता करूंगा रोजे का जहां अजर शुआ मिलता है बेशुमार नेकियां हाथ आती है वहां ही सेहत के लिए भी जरूरी है मुसलमान तो मुसलमान जो गैर मजहब हैं, वो लोग जब इस्लाम का मताल करते हैं खास करके वो तो लोग तहकीक करते हैं, हम तो मुसलमानों के पास वक्त नहीं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक प्रोफेसर मोर पार्लट कहता है कि मैं इस्लामी आलूम पढ़ रहा था जब रोजों के बारे में पढ़ा तो खुशी से उछल पड़ा कि इस्लाम ने अपने मानने वालों को कैसे अजीम शान नुस्खे दिए है मुझे भी शोक हुआ लिहाजा मैंने मुसलमानों की तर्ज पर रोजे रखने शुरू कर दिए अरसा दराज से मेरे जिसम मेरे महदे में वरम था कुछ ही दिनों के बाद मुझे तकलीफ में कमी महसूस हुई तो मैंने रोजा रखता रहा यहां तक एक महीना मैंने रोजा रखा एक महीने में मेरे अमराज कमी तो कमी बिल्कुल मर्ज खत्म हो गया यह है रोजे की बरकत आलैंड का पादरी एल्फ गाल कहता है कि मैंने शुगर दिल मैदे के मरीजों को मुसल तीस दिन के रोजे रखवाए तो रिजल्ट क्या निकता कि शुगर वालों की शुगर कंट्रोल होगी दिल के मरीजों की घबराहट और सांस का फूलना कम हुआ मैदे के मरीजों को सबसे ज्यादा फायदा हुआ तो जितनी भी बीमारियां हैं जिसमानी चाव, जहनी डिप्रेशन और नफ्सियाती अमराज का खात्मा ये सब बीमारियाँ रोजा रखने से दूर हो जाती हैं रोजा रखने से ये सब बीमारियाँ खत्म हो जाती हैं और हम मुसलमान हैं कि हम पूरा साल जो हमें बीमारी नहीं लगती रमजान शरीफ में वो बीमारी हमारे ऊपर खूब जोर करती है हम बीमार हैं इसलिए रोजा नहीं रख रहे अंग्रेज लोग रोजा इसलिए गैर मजम रख रहे हैं कि वो ठीक हो रहे हैं और हम कह रहे हैं कि हम बीमार हो रहे हैं अल्लाह हमें ऐसी बीमारियों से बच जाए ईमान की पुख्त की अता फरमाए अपना अपने जाने वालों का और अपने आस पास रहने वालों का ख़ास ख्याल रखिए याद रखिए रमज़ान मुबारक का एक रोज़ा जिसने जान बुझ कर छोड़ दिया वो सारी जिंदगी लगातार रोज़े रखता है तो एक रमज़ान का जो रोज़ा है उसके बराबर वो कभी भी नहीं हो सकता इतनी रमज़ान मुबारक के रोज़े की शान है अल्लाह सुबहान वाल सब को अमल की तोफ़ी गता फरमाए